सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज तारीख है 5 मई 2021 और यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक कैंडल यहाँ पर एक वीक का डेटा शो कर रही है और यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो लंबी अवधि यानी 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए होने वाला है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज के अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो कुछ सालों पहले करीब 2016-17 के आसपास ये शेयर 100 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था। उसके बाद समय के साथ आप देख सकते हैं थोड़ा दिन ये फ्लैट रहा और फिर उसके बाद थोड़ी तेजी इसने दिखाई, लेकिन ये तेजी स्टेबल नहीं हो पाई और बाद में लॉकडाउन के पहले ये शेयर करीब 125 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। लॉकडाउन में सभी शेयरों में गिरावट हुई, इसमें भी भयंकर गिरावट देखने को मिली और इसने जो लो है करीब 50 रुपए के नीचे का लो बनाया। हालांकि लॉकडाउन में गिरावट के बाद इस शेयर में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली, जो कि आप यहां पर चार्ट में भी देख सकते हैं, एक सीधी लाइन जो कि बहुत ही बेहतरीन तेजी है और अभी ये शेयर करीब 253 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम यानी कि अपनी जिंदगी में कभी ये ऊपरी पोजिशन पर गया होगा, तो 265 रुपए का लाइफ टाइम हाई है इसका, यानी कि 265 रुपए के ऊपर इस शेयर का प्राइस निकलने के बाद इसमें एक और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ये कंफर्म है। क्योंकि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, यानी कि बहुत सालों से जो प्राइस क्रॉस नहीं हो पा रहा है, अगर कोई शेयर वो प्राइस को क्रॉस करता है तो उसमें अनएक्सपेक्टेड तेजी देखने को मिलती है और यहां पर भी कुछ वैसा ही जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले शेयर के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था इस शेयर का प्राइस उसमें 160-165 रुपए के आसपास चल रहा था और कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था, और उसके बाद मैंने कहा था कि करीब 160-165 रुपए के लेवल्स निकलने के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आएगी, और तब से आप देख सकते हैं ये स्टॉक करीब करीब 70-80 रुपए बढ़ गया है। तो यहां पर लोगों को मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन लोग मैसेज करके ये पूछते हैं कि भाई इस स्टॉक में अभी पोजिशन बनाई जाए, अभी ये सही मौका है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सभी क्वेश्चनों के जवाब यहां पर देने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई इस प्राइस पर क्या हमें पोजीशन बनानी चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो है 265 रुपए के आसपास का, देखिए 265 और 270 के बीच का है। तो देखिए, इसमें तेजी तभी इसमें और ज्यादा बनेगी जब 265 से 70 के बीच के जो लेवल है वो डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएंगे, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब देखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है या फिर इसमें उस लेवल तक जाकर टकरा कर ये वापस से करेक्ट होता है, ये अलग विषय है, लेकिन 265 रुपए का लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे निवेशक जो रिस्क लेना जानते हैं कि भाई ये शेयर अगर 255 पर मैंने खरीदा और उसके बाद 15-20-50 रुपए नीचे आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 6 महीने 1 साल या 2 साल तक, तो वो ऐसे निवेशक यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिस्क लेना जानते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं डरते, थोड़ा बहुत लॉस उनको हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लॉस होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉस हो गया अगर तो उसके लिए तैयार हो, ऐसे निवेशक यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे निवेशक जो चाहते हैं कि भाई हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि यहां से शेयर बढ़ेगा तो ही हम खरीदें, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और 265 रुपए का लेवल आने का इंतजार करना चाहिए। 265 रुपए का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, निश्चित रूप से इसमें आपको भयंकर अनएक्सपेक्टेड तेजी देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये लेवल अभी ही पार हो जाएगा, इसी रैली में पार हो जाएगा या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये नीचे आएगा फिर पार होगा, ये अलग विषय है, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया कि जो लोग यहाँ पर रिस्क लेना जानते हैं और थोड़ा बहुत लॉस से भी नहीं डरेंगे, वो ऐसे निवेशक इसमें अभी निवेश कर सकते हैं, या फिर जो निवेशक थोड़ा सा डरते हैं, उनको लगता है कि भाई लॉस हो गया तो दिक्कत है, कन्फर्मेशन मिल जाए तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और 265 रुपये का लेवल निकलने के बाद उसमें खरीदारी करनी चाहिए और जितना भी मूवमेंट आता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको प्रॉपर बात करते रहना चाहिए। अब बात आती है कि जिनके पास ये स्टॉक पहले से है वो क्या करें। देखिए, उनको पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत, जैसे अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आप उसमें से 300-400 शेयर का
प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद इसको होल्ड करके रख दीजिए, मतलब जो बाकी शेयर्स हैं उनको होल्ड कर लीजिए, कुछ पार्शियली प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल काफ़ी बढ़िया लेवल आ चुका है। जहाँ पर मैंने इसको सजेस्ट किया था वहाँ से करीब 70-80 रुपये ये ऊपर चला गया है, तो आपके लिए बेहतर यहाँ पर मुनाफा हो रहा होगा, तो आप यहाँ पर जो है वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिस्क लेना आप भी जानते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको होल्ड करके रखें कि भाई प्रॉफिट तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे यहाँ सपोर्ट की बात करूँ, अगर नीचे आया तो 210 रुपये का एक बेहतरीन सपोर्ट जोन भी है, नीचे आया तो 210 रुपये के से सपोर्ट लेकर ये वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये सभी कंडीशंस हो सकती हैं, जो लेवल्स हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए, और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम्स यहाँ पर भी आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आए थे, लेकिन उतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर हो नहीं पाई, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर तेज़ी बनती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं इसके बारे में ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी और 265 रुपये का जो लेवल है वो आने वाले समय में ब्रेक करेगा और निश्चित रूप से इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, और अगर ये लेवल टूटे तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स आते हुए देखेंगे। ये मान लीजिए आप करीब 300 रुपये, 350 रुपये और 400 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 1 साल के अंदर। तो देखिए इस शेयर पर आपको हमेशा नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि देखिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 265 का, और जब भी आता है मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आप बेफिक्र रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।